स्वागत है एक और कंपैरिजन वीडियो में जिसके अंदर मैं लेके आया हूँ। एक तरफ है हमारा SBI चिल्ड्रन फंड और दूसरा है हमारा टाटा यंग सिटीजन फंड। ये दोस्तों ये दोनों ही जो फंड है हमारे, ये बच्चों को देखते हुए उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके हायर एजुकेशन को देखते हुए उसी के हिसाब से बनाए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो के अंदर बने रहिएगा, कंपैरिजन बहुत ही अच्छा होने वाला है। SBI जो फंड है उसने क्या कमाल जो परफॉर्मेंस है वो दी है और टाटा भी कहीं पीछे नहीं है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, आपको बताऊंगा कि अगर आप 1,00,000 रुपए का लमसम करते हैं तो आपको 2024 में 10 साल या 15 साल में कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं। 2024 में अगर आप अपने बच्चों को लेकर टेंशन में हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर टेंशन में है, तो बिल्कुल यही वीडियो और यही फंड्स आपके लिए सबसे अच्छे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के कंपैरिजन को। तो देखिए, इस रो में हमारे पास है SBI चिल्ड्रन फंड और इस रो में हमारे पास है टाटा यंग सिटीजन फंड। दोनों के दोनों जो प्लान है वो हमारे डायरेक्ट प्लान है, तो इसलिए जब भी आप इसके अंदर निवेश करें तो हमेशा ध्यान रखें डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको निवेश करना है, उसके अलावा रेगुलर प्लान में आपको निवेश नहीं करना है। आगे चलते हैं। देखिए, इसका नाम है हमारा SBI चिल्ड्रन फंड और दूसरा है हमारा टाटा यंग सिटीजन फंड। ठीक है, रैंकिंग की बात करूं तो जो SBI चिल्ड्रन फंड है इसकी जो रैंकिंग है वो है 5 स्टार और टाटा यंग सिटीजन फंड की उसको किसी भी तरीके की रैंकिंग अभी नहीं दी गई है। देखिए आगे चलते हैं, बात करता हूं इनके NAV की। जो हमारा SBI का फंड है उसकी जो करंट NAV है वो है 32 रुपए और टाटा यंग सिटीजन की जो NAV है वो है 58 रुपए। आगे चलते हैं, इनके 3 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ, किसने कितना रिटर्न्स निकाल के दिए पिछले 3 साल के अंदर। जो SBI है उसने पिछले 3 साल के अंदर 37.10% का रिटर्न निकाल के दिया है और जो टाटा यंग सिटीजन फंड है उसने 21.09% का रिटर्न निकाल कर दिया है। आपको देखने में बहुत ज़्यादा फर्क दिख रहा होगा, लेकिन आगे मैं वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या वजह है जो कि इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं हमारे को SBI चिल्ड्रन फंड्स में, इतने ज़्यादा रिटर्न्स दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, एवरेज रिटर्न जो है SBI का वो है तकरीबन 43.32% और जो टाटा यंग फंड है उसका है 13.23%। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि जो SBI है उसने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दिए, एवरेज रिटर्न भी ज़्यादा है, 3 साल का रिटर्न भी ज़्यादा है। लेकिन वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताने आपको जरूरी है। आगे चलते हैं। एग्जिट लोड दोनों का 1% है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर इन फंड्स के अंदर आप निवेश करते हैं तो इसके अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, 5 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आप याद रखिएगा आपके ऊपर एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप पहले साल निकालते हैं तो 3% एग्जिट लोड है, दूसरे साल पैसा निकालते हैं तो 2% है और उसके बाद निकालते हैं तो 1% है, और 5 साल के बाद निकालेंगे तो किसी भी तरीके का एग्जिट लोड आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, जब भी इन फंड्स के अंदर आपको निवेश करना है तो आपको कम से कम 5 साल के लिए दिमाग में सोचना है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए आप करेंगे तो कम से कम 15-20 साल के लिए, उससे कम में निवेश करेंगे भी नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक्सपेंसेस रेशियो की। देखिए, एक्सपेंसेस रेशियो SBI का कम है, 0.91% है, और टाटा यंग सिटीजन का फंड उसका है 2.17%। SBI का कम है। आगे चलते हैं, मार्केट कैपिंग की बात करें तो जो SBI है उसकी मार्केट कैपिंग है 53,543 करोड़ और जो टाटा यंग फंड है उसकी है 1,12,226 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा SBI का जो फंड है ये मात्र, ये जो लॉन्चिंग डेट है वो है 29 सितंबर 2020 और जो टाटा यंग फंड है वो है 1 जनवरी 2013। मतलब जो टाटा वाला फंड है वो करीबन 11 साल पुराना फंड है और ये वाला जो फंड है ये हमारा 2020 से बात करें तो करीबन 3 साल हुए हैं, 3 साल से ज़्यादा इसको नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये नया फंड है इसलिए जो इसके रिटर्न्स है वो आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, इसकी एवरेजिंग भी आपको ज़्यादा दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा आने वाले 10 साल बाद आपको नहीं दिखेगा। जो इसकी एवरेजिंग आपको 43% दिख रही है वो अपने आप कम हो जाएगी, और ये जो टाटा यंग है इसकी एवरेजिंग जो है 13.23%। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जितने भी चिल्ड्रंस फंड है हमारे, सबसे ज़्यादा जो एवरेज रिटर्न है वो इसी की है, 13.23%। ठीक है, तो देखा जाए तो जो हमारा SBI चिल्ड्रन फंड है उसकी भी करीबन जो एवरेज रिटर्न होगा वो भी 11% से लेकर 13% के आसपास ही रहेगा, बीच में रहेगा।
आगे बात करते हैं SIP इन्वेस्टमेंट की, क्या मिनिमम कितनी SIP इसमें कर सकते हैं। तो देखिए दोनों के तरफ 500 रुपए से अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा आपके लिए अच्छा है, किसमें आपको निवेश करना चाहिए और किसके अंदर आपको निवेश से दूर रहना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों ही फंड बहुत ही जानदार फंड है। SBI का नाम दिखता है, जैसे कि आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस हमारा SBI फंड हाउस है। और लेकिन टाटा भी यहाँ पे पीछे नहीं है, टाटा का जो स्कीम है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो रिटर्न है आपको तकरीबन 11-13% के हिसाब से के बीच में मिलेगा इसके एक्सपेंसेस रेशियो हटाने के बाद। उसका रीजन ये है कि अगर आप इससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। रीजन इसके अंदर क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए ये सब चीजें जो फंड है बनाए गए हैं, इसलिए इनको इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर जो पैसा है वो 100% सुरक्षित रहे और पैसे को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। इसलिए पैसों को ज्यादा सुरक्षा देने के लिए डेट फंड्स के अंदर, लार्ज कैप के अंदर, जॉइंट कंपनीज के अंदर ज्यादा निवेश किया गया है और स्मॉल और मिड कैप के अंदर कम किया गया है। इसलिए जो रिटर्न्स है वो कम निकल के आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं FD के अंदर करीबन 6% होता है और इसके अंदर फिर भी 11-12% है, तो मतलब आपको दोगुने रिटर्न्स मिलेंगे। अब बात करते हैं अगर आप 1,00,000 रुपए की लमसम करते हैं इन फंड्स के अंदर तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो देखिए मैंने ये माना है कि दोनों के अंदर आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 11% के आसपास मिलेंगे। तो अगर आप 1,00,000 रुपए की इसके अंदर करते हैं लमसम तो आपको तकरीबन 20 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 8,00,000 रुपए। तो आप इसमें निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न्स बराबर मिलेंगे। आप SBI में भी कर सकते हैं, आप टाटा के अंदर भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा करें आप कर सकते हैं। दोनों ही फंड अच्छे हैं, इसके अंदर कोई भी फंड किसी से कम नहीं है। जिसके अंदर आपका विश्वास बने आप कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों में से किसी में भी कर लीजिए, दोनों फंड सेम है। एक तरफ SBI का नाम है और एक तरफ टाटा का विश्वास है, तो सब चीज़ आपके ऊपर है। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे इस फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करें बिना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों।